नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। जहां भाजपा सरकार की सत्ता में आते ही महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से महंगाई का विरोध करने में अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज लखनऊ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के MLA विधानसभा के निकट देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान प्रदर्शन कर रहे सपा विधायक की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। विधायक सचिन यादव के बेहोश होते ही प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजने के लिए तैनात पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सपा विधायक की तबीयत में अभी सुधार नहीं है। स्वतंत्र देश में यदि किसी नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम फिर से उस युग में चले गए हैं जब अंग्रेजों के द्वारा हम पर जुल्म किए जाते थे और हम उनकी क्रूरता को ना चाहते हुए भी झेलते रहते थे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, अहम भारत समाचार।